रिश्ते की कुछ वो निभा ले। मतलब बचपन में अगर किसी बच्चे को मारना डपटना हो तो माए नानी दादियाँ इसी से डरवा देती। भैया मोमोज की तलाश में हम पूरे मॉल रोड में घूम रहे हैं। Hey guys, welcome back to this new episode of this Mukteshwar series. I hope you are liking my previous vlog. वो एपिसोड आपको अच्छा लग रहा हो, उसमें काफ़ी चीज़ें हमने करी थी पहले दिन में। तो अभी सुबह सुबह हो गए हम लोग, उठे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, देख रहे हैं अभी फ़िलहाल तो कुछ खुला नहीं है कोई भी चीज़ें, बट भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो सोच रहे हैं कहीं मिल जाए यार चाय पराठे कुछ तो मिले। धूप भी बहुत अच्छी लगी हुई है गाइस, जैसे कि आप हमें देख सकते हो हमारी आँखें सही से खुल भी नहीं आ रही है। धूप अच्छी है और हम आशा कर रहे हैं कि दीपू के व्लॉग्स जो आप देख रहे हैं पीछे के वो आपको बहुत एक्साइटिंग बहुत एडवेंचरस और बहुत ही ऑथेंटिक लग रहे होंगे और ऐसे ही दीपू और जो लास्ट दो व्लॉग हैं आई होप वो आपने देखे हों, वो व्लॉग जिसमें हम मुक्तेश्वर टेंपल गए और वहाँ से चौली की जाली गए, कैसे हमने चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करी और क्या उसके बाद जो वहाँ से आने वाला रास्ता जो एडवेंचरस रास्ता था वो अगर आपने मिस किया है तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखें, उसको लाइक करें, कमेंट करें आपका बेस्ट का पार्ट उस ब्लॉग में और फिर सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली यार आप कर ही लो अगर अच्छा लग रहा है तो। हाँ मतलब देखो हम अभी वेट करने वाले हैं, दो सेकंड वेट करें, लेट्स देम सब्सक्राइब। चलो वेट करते हैं, चलिए ओके कर लिया होगा। थैंक यू गाइस, हम आ चुके हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे ही, सब ने पराठे ले लिए, सब अपना अपने पराठे खा रहे हैं। किसी और पराठे आपके हाँ जी सर, वो देखो मजदूरी करके आए हैं, खाना खाने बैठे हैं। रिश्ते की कुछ वो निभा ले, तो भैया अभी लंच करने के बाद हम अपने आलू के पराठे पचाने के लिए यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक पश्मीना फार्म करके है जगह वहाँ जा रहे हैं। आपने पश्मीना शॉल सुने होंगे ना, उसकी वो कुछ फार्म है, देखते हैं वहाँ पे जाके कैसे है वो। एक्सप्लोर कर रहे हैं यार, इट्स फर्स्ट ऑफ अ काइंड फॉर अस, नेवर बीन टू सच दिस प्लेस। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि उत्तराखंड के जो लोग हैं जो वो इससे बहुत फेमिलियर होंगे, अगर आप नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ अजीब लगेगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ सब पेड़ पौधे ही दिख रहे हैं, बट गढ़वाली लोग और जो कुमाऊनी लोग हैं जो पहाड़ी लोग उनको पता होगा ये जो है इसको हम कंडली कहते हैं और कुमाऊनी लोग इसको शिशोण कहते हैं। इसकी खासियत ये है, एक बार इसको टच करो ना आप तो आपकी बॉडी में खुजली होने लग जाएगी, इसको नहीं आपको मतलब इचिंग होगी, इचिंग वगैरह होने लग जाएगी आपको। और बचपन में हम इस पर बहुत गिरे हुए हैं और जब गिरते थे ना ओ भैया हम पूरा रगड़ जाते थे। मतलब मैं आपको ये बता दूं मेरे भाइयों बहनों कि ये जो पौधा है बहुत ही खतरनाक है, मतलब बचपन में अगर किसी बच्चे को डांट मतलब मारना डपटना हो तो माए नानी दादियाँ इसी से डरवा देती, इसी का यूज कर, इसी पेड़ के पौधों को से डरा डरा के बच्चों को काम निकलवाती थी। तो गाइज हमारा पोपट हो चुका है क्योंकि हम आधे रास्ते से वापस आ गए हैं, आगे किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई वो तो अभी 4 किलोमीटर और आगे है और दूसरा चीज़ वहाँ पे ऐसे नॉर्मली अलाउड नहीं है, कैंपस एरिया है वो तो ऐसे जा नहीं सकते वहाँ पे नॉर्मल हम लोग, तो अब वापस आ रहे हैं और क्या कर सकते हैं यार, 4 किलोमीटर और आगे जाएँ फ़ायदा भी नहीं है कि पता है कि वहाँ अंदर एंट्री होगी नहीं होगी। तो एनीवे कोई नहीं, हमारी वॉक हो गई थोड़ी ऐसे मस्त जगह पे वॉक हो गई। तो थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए मुक्तेश्वर से नैनीताल के लिए और रास्ते में हमें काफ़ी जाम देखने को मिला, आई थिंक सारे ही लोग अपना लॉन्ग वीकेंड मनाने आए। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं हमारी सेकंड लोकेशन जो कि है नैनीताल, हमने हमारे होटल में चेक इन कर लिया है। अभी मैं आपको पहले अपना रूम दिखा देता हूँ, रूम टूर दे देता हूँ और फिर आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर भी करनी है जो कि मैं आपको अंदर ही बताता हूँ। तो पहले हम रूम देख लेते हैं, यहाँ से एंट्री करके हमारा एक ये रूम है और मेरा इसको एक ऐसे सीख लेती है बहुत तो अब मैं आपको आपको वो बात शेयर करता हूँ जिसके लिए मैं आपको बात कर रहा था। तो एक्चुअली क्या है गाइस, कैन यू प्लीज शट अप, मैं कुछ बता रहा हूँ अपने गाइजो को, इनमें लेडीज नहीं है क्या?
लेडीज और जेंट्स सब है मेरे गाइस। तो प्लीज अभी मैं आपको सीरियस बात बताता हूँ। तो भाई नैनीताल में हम आए, सबसे पहली चीज जो हमने देखी, भैया यहाँ पे इतना क्राउड है, ऐसा लग रहा है कि भैया लोगों को कोई और डेस्टिनेशन, कोई और हिल स्टेशन पता ही नहीं है, सब लोग यहीं आके बैठे हुए हैं यार, इतना ज्यादा। और होटल्स भाई हमारा तो ठीक है, हमने पहले से अपना बुक करा के रखा हुआ था, बट कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बगल में बस स्टेशन है वहीं पर ही खड़े हैं अपनी ट्रॉली लेके, क्योंकि रूम्स मिल ही नहीं रहे हैं, इतने खचाखच रूम मिल रहे हैं, और अगर मिलेंगे तो वो आपको ट्रिपल उससे भी ज़्यादा रेट में मिल रहे हैं। तो इसीलिए नैनीताल आ रहे हो तो बिल्कुल ऐसे टाइम पे आना जब कोई सीज़न है ही नहीं, टूरिस्ट आ ही नहीं रहे हो, तभी आपके लिए सही है, वरना नैनीताल मत आओ यार। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने ही रूम में चिल करते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, साथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के मज़े लेते हैं, और रात को मॉल रोड घूमेंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, सुंदर नैनी लेक के नज़ारे और उनके साथ ये मछलियाँ, इनको भी देखेंगे। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं मॉल रोड को देखने के लिए, वॉक पे निकले हैं, थोड़ा वॉकिंग भी अच्छी है ना। प्लीज साइड मेरा व्यू मत खराब करो। भैया मोमोज की तलाश में हम पूरे मॉल रोड में घूम रहे हैं, पर हमें कोई ढंग के मोमो मिल ही नहीं रहे हैं यार, इतनी चकाचौंध, इतनी जनता आई हुई है यहाँ, मतलब नैनीताल नहीं है, पता नहीं क्या है यार, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की है भी यहीं आ रखी जो डोमिनोज नहीं यार, अपने को मोमोज चाहिए। कौन से मोमोज कह रहे थे आप? झोल। अच्छा ग्रेवी मोमोज, आई थिंक झोल मोमोज, पता नहीं कौन से मोमोज कह रहे हैं, ढूंढते हैं बाकी। ये देखो डिनर के साथ ये ब्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको हमारे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भर भर के, और सब्सक्राइब करो प्लीज़।